जिंदगी का पहला ब्लॉगिंग सफ़र शुरू हो गया है। दोस्त, मैं हूँ मोहन और आप देख रहे हो मोहन ब्लॉग्स। मैं जो ट्रेन से जाने वाला हूँ उसका नाम है गीतांजलि एक्सप्रेस, जो कि सीएसटी टर्मिनस से, मुंबई सीएसटी टर्मिनस से प्लेटफॉर्म नंबर 18 से रोज़ सुबह 6 बजे को छोड़ती है। काफ़ी जो लोग हैं वो मुझे देख रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब घूम घूम के देख रहे हैं मुझे, तो हंसने लग रहे हैं। तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं, हमारा काम है वीडियो बनाना, तो हम वीडियो तो बनाएंगे ना। तो दोस्त, ये रहा हमारा सीट जो लोअर बर्थ में है, 79। सफ़र शुरू हो गया, छत्रपति से बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है और बारिश की वजह से बाहर का शूट लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बड़ा बड़ा पा बड़ा पा बड़ा बड़ा पा बड़ा पा बड़ा बड़ा पा। हेलो ब्रेड ऑमलेट वेज कर दे। हेलो कैसे हैं? ये नाश्ता समोसे। Thank you.
हम पहुंच गए हैं इगतपुरी पे और यहाँ का मौसम थोड़ा देखिए क्या नज़ारा है। एकदम सुहाना मौसम है, बारिश में थोड़ा दिक्कत हो रही है लेकिन मौसम जो है ना बहुत ही सुहाना है। पूरा कोहरा जैसा बन गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था LHB कोचेस है तो सफ़र जो है मेरा बहुत ही कम्फर्टेबल होने वाला है, लेकिन मुझे उल्टा ही हो गया। मतलब लेने के देने पड़ गए ना, इधर ठीक से खाना खा सकते हो ना ठीक से बाथरूम जा सकते हो, हर तरफ आदमी है। मतलब रिजर्वेशन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। दोस्तों ये देखो रिजर्वेशन की हालत। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम नागपुर पहुंच चुके हैं। नागपुर आते आते लगभग 13 घंटे का टाइम लग चुका है, वो भी बारिश के कारण ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। तो ठीक ठाक ही है, बाकी सब ठीक ही है, लेकिन स्लीपर रिजर्वेशन में बहुत ही दिक्कत है, बहुत पब्लिक है। Thank you.
खाना आ चुका है, तो हमने मछली ऑर्डर दिए थे, अभी देखते हैं खाना कैसे है। तो दोस्त, ये रहा हमारा रात का खाना, ये है चावल, ये सब्जी, ये है मछली और ये रहा रोटी। खाना ठीक ठाक है, वैसे खा सकते हो। और अभी मैं सोने जा रहा हूँ, अभी 8:30 बज चुका है, तो मिलते हैं सुबह में। बारिश बारिश बारिश, इतना बारिश पूछो मत, हद से ज्यादा बारिश हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा गाड़ी जो है गीतांजलि एक्सप्रेस अभी टाटानगर पहुंच चुकी है, अभी सुबह का 11 बजने वाली है और बहुत जल्दी पहुंच गई है। अभी खड़गपुर पहुँचे हैं ठीक 12:30 बजे, अभी थोड़ा सा तो ट्रेन लेट है, क्या कर सकते हैं।
पे मैं हावड़ा पहुंच चुका हूँ। ट्रेन काफ़ी लेट था, डेढ़ से दो घंटा लेट चल रहा था ट्रेन। तो जितना तक मेरा एक्सपेरिमेंट है गीतांजलि एक्सप्रेस में, तो अगर आप कंफर्टेबल जर्नी करना चाहते हो तो बिल्कुल भी स्लीपर में मत आओ, मेरा सुझाव वही है। अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो आप स्लीपर में आ सकते हो, वरना आप बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि आपको बहुत से एडजस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉब्लम तो वहाँ पे बाथरूम क्लीन नहीं रहते हैं और सीट पे कोई भी आके बैठ जाता है, और बहुत ही दिक्कत है। मतलब आप ठीक से खाना भी नहीं खा पाते हो, कोई इधर उधर आके बैठ जाते हैं, रात पे ठीक से सो नहीं पाते हो। तो मेरा सुझाव यही है कि आप एसी में आओ गीतांजलि एक्सप्रेस में, वही सबसे बेटर रहेगा।